بسم الله الرحمن الرحيم. और टुडे टॉपिक इज द लिशमेनिया डोनोवानी. लिशमेनिया के बारे में हमने पिछले लेक्चर में हमने उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ था और उसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स बयान किए गए थे. तो अभी इसके जो स्पीशीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ हम पढ़ते हैं जैसा कि लिशमेनिया डोनोवानी. तो आते हैं लिशमेनिया डोनोवानी की तरफ. ये लिशमेनिया डोनोवानी को ये जो डिजीज कैस कहते हैं इसको ओल्ड वर्ल्ड लिशमेनियासिस भी कहते हैं. ओल्ड वर्ल्ड लिशमेनियासिस, पहले मैंने आपको बताया है रीजन के ओल्ड वर्ल्ड लिशमेनियासिस इसको किस वजह से कहते हैं. तो लिशमेनिया डोनोवानी, द लिशमेनिया डोनोवानी कॉजेस विजरल लिशमेनियासिस. विजरल लिशमेनियासिस, ये विजरल ऑर्गन्स हैं, दोज आर इफेक्टेड बाय दिस पैरासाइट, या इसको काला आजार भी कहते हैं. काला आजार, इट इज आल्सो, इट आल्सो कॉजेस द कंडीशन पोस्ट काला आजार डर्मल लिशमेनियासिस, PKDL, इसको भी काज करते हैं. पोस्ट काला आजार डर्मल लिशमेनियासिस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन आगे आ रहा है. यहाँ पर सिर्फ आपने ये याद कर लिया कि लिशमेनिया डोनोवानी विजरल लिशमेनियासिस काज करते हैं, जिसको जनरली हम काला आजार डिजीज कहते हैं या डम डम फीवर भी इसको कहते हैं. तो हिस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं. सर विलियम लेशमैन ने 1900 में 1900 में यही पैरासाइट उन्होंने, यानी पैरासाइट लेशमेनिया उसने ऑब्जर्व किया था इन द स्प्लीन स्मेयर ऑफ अ सोल्जर. एक सोल्जर के स्प्लीन स्मेयर, उसका पोस्टमार्टम कर लिया, उसका स्प्लीन से स्मेयर ले लिया जो कि डाइट था डम डम फीवर की वजह से या काला आजार की वजह से, जो कि कलकत्ता में मतलब उसकी मौत वाक़ हो गई थी. तो एक अंग्रेज सिपाही था और उस वक्त उस जमाने में बरसगीर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, इसलिए इस अंग्रेज साहब ने यही पैरासाइट उसने पहले दफ़ा उसको रिपोर्ट कर लिया, स्टडी कर लिया. और दो तीन साल बाद एक दूसरे साहब हैं, उसका नाम है लेशमैन, लेशमैन साहब ने, उसने भी लंदन से अपने फाइंडिंग्स को रिपोर्ट कर लिए, सेम फाइंडिंग्स. तो फिर इसको नाम इस लिहाज से वो क्या लेशमेनिया डोनोवानी रखा गया. और यही सेम ईयर में जो डोनोवान था ना, डोनोवान, ये तो लेशमैन था और दूसरे वाला डोनोवान, डोनोवान ने मद्रास से इसको रिपोर्ट किया था. तो दोनों साइंटिस्टों के नामों को मिलाकर इसका नाम लेशमेनिया डोनोवानी पड़ गया. समझ रहे हैं आप लोग, यानी लेशमैन साहब ने पहले 1900 में इसको फाइंड आउट किया, लेकिन 1903 में उसने उसको रिपोर्ट कर लिया. तो इसी तरह डोनोवान ने भी 1903 में उसको रिपोर्ट किया है मद्रास से, तो इसलिए उसका पैरासाइट का नाम पड़ गया लेशमैन डोनोवान, लेशमेनिया डोनोवानी, लेशमेनिया डोनोवानी. तो इसलिए इसका जो एमास्टिगोट फॉर्म है, पैरासाइट का एमास्टिगोट फॉर्म, इसको हम एलडी बॉडीज भी कहते हैं, यानी लेशमैन डोनोवान बॉडी, लेशमैन डोनोवान बॉडी. साइंटिस्ट के नाम से उसको एमास्टिगोट फॉर्म को हम यही नाम भी देते हैं. द विजरल लेशमेनियासिस, ये विजरल लेशमेनियासिस जो है आर काला आजार इज ए मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. ये मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और दुनिया के कई मुल्कों में, ये बात कौन कहती है, ये WHO कहता है, मैं नहीं कहता हूँ. WHO कहता है कि दुनिया के कई ममालिक में ये लेशमेनिया एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से तकरीबन 5 लाख केसेस विजरल लेशमेनियासिस के, लेशमेनिया डोनोवानी के हर साल आते हैं. 5 लाख केसेस तो सिर्फ विजरल लेशमेनियासिस के हर साल आते हैं. तो उनमें से जो न्यू केसेस हैं 90% केसेस वो इंडिया से आते हैं, सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सूडान और ब्राज़ील से आते हैं 90% केसेस. ऐसा नहीं है कि बाकी ममालिक में या बाकी जगहों पर नहीं, वहाँ पर भी हैं, लेकिन इन इलाकों में ये बहुत ज़्यादा है. 90% इधर इंडिया में, सूडान और ब्राज़ील से ये केसेस आते हैं, न्यू केसेस.
The disease occurs in endemic, epidemic, sporadic forms. ये डिजीज थ्री फॉर्म्स में पाए जाते हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक और स्पोरेडिक। तो ये टर्म्स मेरे ख्याल में आपके लिए नए हैं, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये किसी डिजीज के, स्पेशली द इन्फेक्शियस डिजीज, उसके फैलाव के लिहाज से हम कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। चार टर्म्स यूज होते हैं, याद रखें। पहला टर्म है स्पोरेडिक, दूसरा है एंडेमिक, तीसरा है इपिडेमिक, चौथा है पेंडेमिक। तो स्पोरेडिक, एंडेमिक, इपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस है? स्पोरेडिक वो होता है जो किसी पार्टिकुलर एरिया में एक दो केसेस आ जाएं और वो फैलाव ना हो, यानी बहुत कमजोर किस्म का उसका फैलाव हो, उसका स्प्रेडिंग ना हो, बल्कि बस कुछ केसेस एक पार्टिकुलर एरिया तक महदूद हो। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पोरेडिक, स्पोरेडिक। फिर एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक किसी इलाके में, किसी मुल्क में डिजीज नॉर्मली साल के किसी भी अवकात में उसके पेशेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मलेरिया इज एंडेमिक इन पाकिस्तान, तो साल के किसी भी महीने में आपको मलेरिया का पेशेंट मिल सकता है किसी एक मुल्क में, तो इसको कहते हैं एंडेमिक। और एपिडेमिक ये होता है कि एपिडेमिक इसमें ये होता है कि मल्टीपल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक मुल्क में नहीं बल्कि वो फैलता है दूसरे मुल्कों में भी फैलता है। हाँ, एपिडेमिक में इस तरह होता है। और जो चौथा लफ्ज में पेंडेमिक आपको बताया, पेंडेमिक, पेंडेमिक में भी मल्टीपल कंट्रीज भी, मल्टीपल तो क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक चीज फैल रहा हो, बड़ी तेजी से फैल रहा हो, तो और उसमें एक मुल्क नहीं, दो मुल्क नहीं, बल्कि दुनिया के बहुत सारे मुल्क, बल्कि तमाम ममालिक, सारी दुनिया इसमें मुतासिर हो जाए, तो इसको हम फिर पेंडेमिक कहते हैं। जैसा कि आजकल कोरोना वाला, कोरोना वायरस का जो केस है, दैट इज द पेंडेमिक, ये चाइना के शहर वुहान से स्टार्ट हो गया और सारी दुनिया में फैल गया। तो इसको क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं, पेंडेमिक। ठीक है जी, ओके। मेजर एपिडेमिक केसेस ऑफ विजरल लिशमेनियसिस जो है करंटली फाउंड इन इंडिया, ब्राजील एंड सूडान। तो तीन ममालिक आप याद रखें, इंडिया, इंडिया के साथ पाकिस्तान भी आप मिला सकते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान को हम एक में काउंट कर सकते हैं, ब्राजील और सूडान जो है, दीज आर द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज जहाँ से ये केसेस ज्यादातर आते हैं। तो विजरल लिशमेनियसिस इन तीन ममालिक में ज्यादातर आप मुतासिर हैं। अच्छा, द रिसर्जेंस ऑफ काला आजार इन इंडिया बिगिनिंग इन द मिड 1970s एज्यूम्ड एपिडेमिक प्रोपोर्शन इन 1977 एंड इन्वॉल्व्ड ओवर 1,10,000 केसेस इन ह्यूमन। ह्यूमन में यानी 1977 में स्पेशली ये काला आजार की बात हो रही है इंडिया में, उसके इतने ज्यादा केसेस आ गए एक साल में, तो इसलिए उसको एपिडेमिक कंसिडर कर गया। ठीक है भाई, ओके। तो आते हैं, तो इनिशियली द डिजीज वॉज कन्फाइंड टू बिहार, बिहार में जो मुजफ्फरपुर है, और इसी तरह ये क्या है, समस्तीपुर और वैशाली और स्तम्भराही, इंडिया के मुख्तलिफ एरियाज हैं ना। सिंस देन द केसेस आर इंक्रीजिंग एंड इन्वॉल्विंग न्यूअर एरियाज। तो इनिशियली तो वहाँ पर तक कन्फाइंड थे, फिर आसपास के इलाके भी इसमें आ गए, तो ये एंडेमिक से एपिडेमिक बन गया। द एपिडेमिक एक्सटेंडेड टू वेस्ट बंगाल एंड फर्स्ट आउटब्रेक अकर इन 1980 इन मलदा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ओके। ये इसके स्प्रेड और एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात हो रही है। एट प्रेजेंट द डिजीज हैज एस्टेब्लिश्ड इट्स एंडेमिसिटी
in 31 districts in Bihar, 11 districts in West Bengal, 5 districts in Jharkhand, and 3 districts in Uttar Pradesh. तो प्रेजेंटली ये इन मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम गिने गए, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये इस्टेब्लिश हो चुका है, अपने आप को एंडेमिक कर चुका है. और स्पोरेडिक केसेस हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो वहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5 कुछ 10 से कम केसेस आए हैं, वहाँ से फैल नहीं चुके हैं. तो स्पोरेडिक कंडीशन में यहाँ पर इन इन इलाकों में भी ये एस्टेब्लिश हो चुका है. ओके, आगे चलते हैं. तो लिशमिनिया को जनरली इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस डिजीज को? तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि लिशमेनिया को आसानी के खातिर दो ग्रुपों में कैटेगराइज किया, ओल्ड वर्ल्ड लिशमेनियासिस और न्यू वर्ल्ड लिशमेनियासिस. ओल्ड वर्ल्ड लिशमेनियासिस में वेजरल लिशमेनियासिस आता है, जिसको काले आजार कहते हैं, या लिशमेनिया डोनोवेनी की वजह से जो होता है, लिशमेनिया इन्फेंटम और लिशमेनिया डोनोवेनी. इसी तरह क्यूटेनियस लिशमेनियासिस लिशमेनिया ट्रोपिका से जो होता है, लिशमेनिया ट्रोपिका, लिशमेनिया थियोपिका और एंड मेजर, ये ओल्ड वर्ल्ड लिशमेनियासिस में ये आते हैं. न्यू वर्ल्ड लिशमेनियासिस जो है, इसमें वेजरल लिशमेनियासिस में तो लिशमेनिया चैगासी है, और क्यूटेनियस लिशमेनियासिस में या म्यूको क्यूटेनियस लिशमेनिया, लिशमेनिया मेक्सिकाना कॉम्प्लेक्स, लिशमेनिया ब्राजिलेंसिस कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो आगे चलते हैं. पेरासाइट के हैबिटेट के बारे में बात करना चाहिए. तो चूंकि उसके होस्ट, इस पेरासाइट के दो होस्ट हैं, ह्यूमन होस्ट एंड द वेक्टर होस्ट. तो अगर हम ह्यूमन होस्ट की बात करें, तो ह्यूमन में द एमास्टिकोड फॉर्म ऑफ दिस पेरासाइट इज फाउंड इन ह्यूमन. ठीक है जी, जिसको एलडी बॉडीज भी कहते हैं, एलडी बॉडीज. और लिशमेनिया ये ह्यूमन के रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में पाया जाता है, जिसको पहले मैंने आपको तफसील के साथ बताया है कि मैक्रोफेजेस और मानोसाइट्स वगैरह में ये पैरासाइट्स पाए जाते हैं, बोन मैरो वगैरह में. दे आर फाउंड मोस्टली विद इन द मैक्रोफेजेस इन द स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो एंड लेस ऑफन इन अदर लोकेशंस सच एज स्किन, इंटेस्टिनल म्यूकोसा एंड मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स. तो आपको बताया गया कि जैसे कि पहले बताया गया था कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, तो इससे बात एक्सप्लेन हो गई कि मैक्रोफेजेस ऑफ द स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो वहां पर ज्यादातर पाया जाता है, और लेस कॉमन इन स्किन एंड अदर एरियाज जैसे कि मेसेंट्रिक रीजन वगैरह वगैरह, वहां पर भी पाए जाते हैं लेकिन कम. ठीक है, तो इसके मॉर्फोलॉजी की तरफ आते हैं. मॉर्फोलॉजी के लिए यहाँ पर ये डायग्राम खूब आप देख लें, आगे इसके बारे में डिस्कशन होगी कि मॉर्फोलॉजिकली इसके टू फॉर्म्स हैं, टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स आर देयर. वन इज द एमास्टिगोट फॉर्म, द अदर इज द प्रोमास्टिगोट फॉर्म. दिस वन इज द एमास्टिगोट फॉर्म. आप पहले भी मतलब मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको कुछ ना कुछ हम आपको बता चुके हैं हीमोफ्लेजिलेट वाले चैप्टर में. दिस वन द बनाना शेप्ड इलांगेटेड स्पाइंडल शेप्ड, इट इज द प्रोमास्टिगोट फॉर्म ऑफ दिस पैरासाइट. ये देख लें जी, दिस वन इज द न्यूक्लियस एंड बोथ, दोनों को देख लें, न्यूक्लियस है, ये पैराबेसल बॉडी है, दिस इज काइनेटोप्लास्ट और ब्लीफेरोप्लास्ट है, और ये वेक्यूल है, ये व्हाइट कलर का जो वेक्यूल है, और ये रेड कलर का थ्रेड जो है, दैट इज एक्सोनिम इन बोथ केसेस. इन दिस केस फ्री फ्लीजिलम इज देयर, एंड इन केस ऑफ एमास्टिगोट देयर इज नो फ्री फ्लीजिलम. ठीक है, और ये ओवल शेप्ड होता है एमास्टिगोट फॉर्म, और दिस फॉर्म इज द प्रोमास्टिगोट फॉर्म इज बनाना शेप और इलांगेटेड शेप, स्पाइंडल शेप. दिस प्रोमास्टिगोट फॉर्म ऑफ पैरासाइट इज फाउंड इन द सैंड फ्लाई, एंड दिस फॉर्म ऑफ द पैरासाइट इज फाउंड इन ह्यूमन बींग. तो आगे चलते हैं, इसके मॉर्फोलॉजी को उधर एक्सप्लेन करते हैं. तो एमास्टिगोट फॉर्म की तरफ आते हैं पहले, एमास्टिगोट फॉर्म के बाद. तो एमास्टिगोट जो डायग्राम आपने देख लिया, वो राउंडेड शेप का जो था. तो द एमास्टिगोट फॉर्म आर एल डी बॉडी
इज एन वाइड आर राउंडेड सेल। ये वाइड होता है या राउंडेड सेल होता है जिसका साइज 2 to 3 or 2 to 4 माइक्रोमीटर इन साइज होता है। इट इज टिपिकली एंट्रा सेलुलर, ये सेल के अंदर होता है। बींग फाउंड इन साइड मैक्रोफेजस, मैक्रोफेजस के अंदर होता है, मोनोसाइट्स के अंदर, न्यूट्रोफिल्स और एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है जी, ओके। तो आपने ये सीख लिया कि ये जो हमारे पास एमास्टिगोट फॉर्म ऑफ पेरासाइट है, इट इज फाउंड इनसाइड द ह्यूमन एंड अदर मेमेलियन होस्ट इन विच दे आर फाउंड इन द दियर मोनोसाइट मैक्रोफेजस, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड एंडोथेलियल सेल्स वगैरह वगैरह। इनको हम एलडी बॉडीज भी कहते हैं। और स्मेयर को अगर हम स्टेन कर लें जेम्स स्टेन से, या लेशमैन स्टेन से, या जेम्स स्टेन से, या राइट स्टेन से, तो फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्म का कलर ब्लू, साइटोप्लाज्म ब्लू कलर ले लेता है। और इसके इर्द गिर्द फिर एक क्लिमेटिक मेम्ब्रेन होता है। और इसी तरह ये ऊवल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है जो कि रेड स्टेन होता है, उसका कलर क्या होता है, रेड रेड होता है। लाइंग एट द राइट एंगल्स ऑफ द न्यूक्लियस इज द रेड आर पर्पल स्टेन काइनेटोप्लास्ट भी उसके साथ साथ है। वो डायग्राम आप जहन में लाएं या दोबारा उस डायग्राम पर आप नजर डालें। इन वेल स्टैंड प्रिपरेशन द काइनेटोप्लास्ट कैन बी सीन कंसिस्टिंग ऑफ पेराबेसल बॉडी एंड अ डार्ट लाइक ब्लेफेरोप्लास्ट विद अ डेलिकेट थ्रेड कनेक्टिंग द टू। द एक्सोनियम अराइजिंग फ्रॉम द ब्लेफेरोप्लास्ट एक्सटेंड्स टू द एंटीरियर टिप ऑफ द सेल। तो आप जब तक आप डायग्राम को न देखेंगे, आप नहीं समझ सकेंगे। तो ये बात हो रही है कि ओवल शेप है इसका, इसका न्यूक्लियस जो है राउंडेड न्यूक्लियस है, राउंडेड और ओवल न्यूक्लियस है, और इसके साथ पेराबेसल बॉडी और ब्लेफेरोप्लास्ट है। और यही ब्लेफेरोप्लास्ट है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एलांगेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोनियम कहते हैं। तो ये बातें उधर टेक्स्ट में आ गई, यहाँ पर ये बातें हो रही थी। एलॉन्ग साइड द काइनेटोप्लास्ट अ क्लियर अनस्टेन्ड वेक्यूल भी होता है जिसका कोई स्टेन नहीं होता है, व्हाइट कलर का मतलब कलरलेस होता है। और एमास्टिगोट फॉर्म में फ्लिजिलम एबसेंट होता है। एमास्टिगोट फॉर्म में क्या होता है, फ्लिजिलम इज एबसेंट इन एमास्टिगोट फॉर्म। अभी प्रोमास्टिगोट की फॉर्म की तरफ आते हैं, तो पहले डायग्राम पर एक नज़र और डालें। दिस इज द शेप ऑफ प्रोमास्टिगोट फॉर्म। दिस प्रोमास्टिगोट फॉर्म ऑफ पेरासाइट इज फाउंड इनसाइड द वेक्टर होस्ट विच इज द सैंड फ्लाई। ठीक है भाई, तो इसको देख लें। इट इज इलांगेटेड स्पाइंडल शेप, राउंडेड आर ओवल न्यूक्लियस इज दियर, पेराबेसल बॉडी एंड काइनेटोप्लास्ट इज दियर। इसी तरह दिस कलरलेस वेक्यूल इज दियर, एक्सोनियम इज दियर एंड फ्री फ्लैजेलम इज दियर। तो आज के टेक्स्ट की तरफ चलते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। तो प्रोमास्टिगोट फॉर्म जो होता है, इनिशियली ये शार्ट होता है, ओवल होता है, पियर शेप होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होता है, लंबा हो जाता है, लॉन्ग स्पाइंडल शेप बन जाता है जिसका साइज 15 to 25 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। और उसकी जो ब्रेड्थ होती है, दैट इज 1.5 to 3.5 माइक्रोमीटर। एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इसमें के सेंटर में होता है, एक ही होता है। और काइनेटोप्लास्ट इसमें होता है ट्रांसवर्सली नियर द एंटीरियर एंड, काइनेटोप्लास्ट एंटीरियर एंड के करीब होता है। और फ्लेजिलम इज सिंगल, फ्लेजिलम कितने होते हैं, एक होता है, डेलिकेट किस्म का होता है। और फ्लेजिलम जो होता है 15 to 28 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। अगर हम जिम्सा स्टेन या लेशमैन स्टेन के साथ इसको स्टेन कर लेंगे, तो पेल ब्लू साइटोप्लाज्म होगा और पिंक इसका न्यूक्लियस होगा, ब्राइट रेड काइनेटोप्लास्ट इसका होगा। और वेक्यूल जो होगा इसका कोई कलर नहीं होगा। और ये रूट ऑफ द फ्लैजेलम के करीब आपको मिलेगा वेक्यूल। देयर इज नो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, यहाँ पर कोई अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं है जो कि ट्राइपोमास्टिगोट फॉर्म ऑफ
ट्रेपेनोसोमा में प्रेजेंट था, वो इधर नहीं है। प्रोमास्टिगोट फॉर्म्स जो होते हैं विच डिवेलप आर आर्टिफिश एन आर्टिफिशियल कल्चर्स हैव द सेम मॉर्फोलॉजी एज इन सेंट फ्लाई। सेंट फ्लाई में जो प्रोमास्टिगोट का फॉर्म है, इसी तरह का फॉर्म अगर आप उसको का कल्चर करते हैं तो कल्चर में भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्म आपको मिल सकता है। लाइफ साइकिल की तरफ आते हैं। लाइफ साइकिल, ये लेश्विनिया डोनोवानी जो है ये अपने लाइफ साइकिल को दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं। एक होस्ट होता है डेफिनेटिव होस्ट, दूसरा होस्ट होता है वेक्टर होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट मैन है, डॉग है और अदर मैमल्स हैं, और वेक्टर जो है दैट इज द फीमेल सैंड फ्लाई, जिसका इसको हम फ्लिबार्टमस कहते हैं। फ्लिबार्टमस और इसके बहुत सारे फिर स्पीशीज हैं। इन्फेक्टिव फॉर्म इसका क्या, जब ह्यूमन को बाइट करता है तो ह्यूमन के बॉडी में कौन सा विच टाइप ऑफ पैरासाइट इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, दैट इज द प्रोमास्टिगोट फॉर्म ऑफ अ पैरासाइट विच इज फाउंड इन द मिड गट ऑफ द सैंड फ्लाई, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन के बींग के जिसम में पहले जब पैरासाइट दाखिल होता है दैट इज द प्रोमास्टिगोट फॉर्म, इसलिए हम इसको इन्फेक्टिव फॉर्म कहते हैं। द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट इज अ प्रोमास्टिगोट फॉर्म। अभी यहाँ पर आप ये देख लें कि जो लिशमिनिया है, और लिशमिनिया के बहुत ज्यादा उसके स्पीशीज हैं, तो उसके जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स जो कि उसको फैलाते हैं, लिशमिनिया के जो वेक्टर्स हैं यानी इंसेक्ट होस्ट है, तो उस इंसेक्ट होस्ट के बारे में आप, उसके स्पीशीज के बारे में आप जान लें इस स्लाइड में। ये देखें यहाँ पर कंट्रीज हैं और यहाँ पर उस वेक्टर्स के जुआलॉजिकल नेम है कि यानी फ्लेबाटम्स की फर्दर कौन कौन से स्पीशीज किस किस मुल्क में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये बात हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो देखें अगर इंडिया की बात हम कर लें तो इंडिया में हमारे पास फ्लेबाटम्स का कौन सा स्पीशीज है, द अर्जेंटिपस अर्जेंटिफाई अर्जेंटिप्स जो है ये इंडिया में मिलता है। चाइना में और बांग्लादेश में आपको फ्लेबाटम्स चाइनेंसिस और फ्लेबाटम्स सर्जेंटाई, ये दो आपको इंडिया और चाइना में, चाइना और बांग्लादेश में आपको मिलेंगे। सूडान और अफ्रीका की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर फ्लेबाटम्स परनीशियस, फ्लेबाटम्स ओरिएंटलिस सूडान में आपको मिलेंगे, फ्लेबाटम्स लांजिक्यूपस लांजिक्यूपस, फ्लेबाटम्स सर्जेंटी, दीज वेक्टर्स आर फाउंड इन सूडान एंड अफ्रीका। इसी तरह अगर मेडिटेरेनियन कंट्रीज के बारे में हम बात कर लें तो वहाँ पर फ्लेबाटम्स परनीशियस, फ्लेबाटम्स पेपेटासी, फ्लेबाटम्स मेजर एंड फ्लेबाटम्स टूबी, तो दीज वेक्टर्स आर फाउंड इन मेडिटेरेनियन कंट्रीज। अगर ईस्ट, मिडल ईस्ट और रशिया की बात हम कर लें तो वहाँ पर फ्लेबाटम्स परफुली हुई और फ्लेबाटम्स पेपेटासी, ये रशिया में और मिडल ईस्ट में आपको मिलेंगे। इसी तरह सेंट्रल एशिया और साउथ अमेरिका की बात हम कर लें तो वहाँ पर फ्लेबाटम्स पेपेटासी, फ्लेबाटम्स लांजिपलिस और फ्लेबाटम्स एंटर म्यूडियस और फ्लेबाटम्स लुट्जी, तो ये क्या है, ये सब क्या है, दीज आर द वेक्टर टाइप्स विच आर फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो मुख्तलिफ वेक्टर्स मिलते हैं लिशमिनिया डोनोवानी के, तो वो यही है जो कि आपके सामने है, याद करना आपका काम है, ठीक है जी। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अभी एक शख्स से दूसरे शख्स को यह ट्रांसमिशन किस तरह होता है, तो ये तो जाहिर बात है जब सेंट फ्लाई आपको बाइट करेंगी तो बाइटिंग के नतीजे में आपको आपके जिस्म में क्या दाखिल करेंगे, प्रोमास्टिगोट फॉर्म ऑफ दिस पैरासाइट, ठीक है। तो इट कैन आल्सो बी ये तो एक तरीका हो गया बाइटिंग बाय द फीमेल, हाँ यहाँ पर ये बात याद रखें कि फीमेल सेंट फ्लाई अगर आपको बाइट करेंगी तब आपका इन्फेक्शन होगा, अगर मेल बाइट करेगा देन देर इज नो प्रॉब्लम, ओके। इसी तरह एक दूसरा है जिसको हम वेंट्रल ट्रांसमिशन या वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं,
वर्टिकल ट्रांसमिशन, जो कि मदर से फीटस की, अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है तो उससे उसके बच्चे को, फीटस को जो डिवेलप रहा हो रहा होता हो, तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है ब्लड। और इसी तरह अगर एक शख्स ने दूसरे शख्स को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, ब्लड दे दिया, जो डोनर के बॉडी में अगर पेरासाइट हो लिशमेनिया का, तो वो रेसिपेंट के बॉडी में भी मुंतकिल हो जाएगा, एंड एक्सीडेंटल इनोकुलेशन इन द लेबोरेटरी। अच्छा, तो ये दिस वर द मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, हाउ पेरासाइट ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन। इनक्यूबेशन पीरियड की तरफ आते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है कि पेरासाइट आपके जिस्म में दाखिल होकर कितने अरसे में अपने डिजीज के साइन सिम्टम्स आपके जिस्म में अपियर होते हैं, तो इसको कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। तो आमतौर पर 2 to 6 months होते हैं, और ओकेजनली इट मे बी शॉर्ट एट 10 days। ओकेजनली कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी हो सकता है, 10 दिन के अंदर अंदर भी वो अपना काम कर सकते हैं, और कभी बहुत लेट भी हो सकता है, 2 years आफ्टर। कोई शख्स अगर बलूचिस्तान का सफर उसने किया हो और वहां पर सेंट फ्लाई ने उसको बाइट किया हो, और वो इधर आ जाए 2 साल बाद उसमें साइन सिम्टम्स अपियर हो जाए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मल बात क्या है, नॉर्मल बात यही है 2 to 6 months, 2 to 6 months। द सैंड फ्लाई रीगर्जिटेट्स द प्रोमास्टिगोट्स इन द वुंड कास्ट बाई इट्स प्रोबोसिस। ऐसा है कि ये सैंड फ्लाई है आपके जिस्म पर बैठकर अपने उसका जो प्रोबोसिस होता है, वही प्रोबोसिस आपके जिस्म में इंट्रोड्यूस करके वुंड बनाता है, तो फिर उसी वुंड में वो उल्टी कर लेता है, रिगर्जिटे उल्टी करते हैं, और उसी उल्टी में क्या होता है, उसमें प्रोमास्टिगोट फॉर्म ऑफ लिशमेनिया होता है, तो ये उसमें इनकॉर्पोरेट करता है। दीज आर एनगल्फ, तो आपके जिस्म के का जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है, वहां पर जो मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स और पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स जो हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, वो अगर आपके सेल उधर आसपास में प्रेजेंट हैं, तो उनको पता चल जाता है कि कोई मेहमान तो आ गया, वो आकर उसी मेहमान को वो हड़प कर लेते हैं, अपने जिस्म में दाखिल कर लेते हैं। जब मैक्रोफेजेस में या मोनोसाइट्स में ये पेरासाइट एंटर होते हैं, तो वहाँ पर ये एमास्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी एमास्टिगोट फॉर्म ऑफ पेरासाइट फिर बाइनरी फ्यूजन करता है और अपने मल्टीप्लीकेशन को इसी तरीके से कैरी आउट करता है। ठीक है भाई, तो इसको किस चीज़ में, एमास्टिगोट फॉर्म में ट्रांसफर मुंतकिल कर लेते हैं, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। अच्छा, तो ये जो एमास्टिगोट फॉर्म होते हैं, एमास्टिगोट फॉर्म, तो ये फिर फर्दर क्या करते हैं, ये फर्दर अपने बाइनरी फ्यूजन करते हैं और अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने रिप्रोडक्शन करते हैं, और इसी तरह फैलते जाते हैं। तो अच्छा, स्मॉल नंबर ऑफ एलडी बॉडीज कैन बी फाउंड इन पेरिफेरल ब्लड इनसाइड न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। पेरिफेरल ब्लड में भी स्मॉल क्वांटिटी में आपको मिल सकते हैं। व्हेन अ वेक्टर सैंड फ्लाई फीड्स ऑन एन इन्फेक्टेड, अभी एक पर्सन है उसको इन्फेक्शन हो गया है, और एक वेक्टर जिसमें पेरासाइट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, वो आकर आपको बाइट करेंगे, अगर इफ यू आर इन्फेक्टेड विद लिशमेनिया डोनोवेनी पेरासाइट, देन द एमास्टिगोट फॉर्म ऑफ दिस पेरासाइट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर बॉडी टू द बॉडी ऑफ द वेक्टर, वेक्टर के बॉडी में चले जाते हैं। तो इसी तरीके से उनके जिस्म में जब मिडगट में पहुंच जाते हैं, देन इट इज इलांगेटेड, ये इलांगेट हो जाता है और इट इज कन्वर्टेड इंटू द प्रोमास्टिगोट फॉर्म, डायग्राम में आ जाएगा, 5.10 जो डायग्राम है उसमें आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये आप देखते हैं ये क्या है, दिस इज द सैंड फ्लाई, दिस इज द सैंड फ्लाई फ्लिबॉटमस है, ये फ्लिबॉटमस आपके जिस्म का विजिट करते हैं, आपको तोहफे के तौर पर आपको क्या देते हैं, द प्रोमास्टिगोट फॉर्म आपके जिस्म में दाखिल करते हैं, तो यहाँ पर वुंड बनाते हैं, जख्म बनाते हैं, और जख्म के अंदर प्रोमास्टिगोट फॉर्म ऑफ पेरासाइट को वो एंटर करते हैं। तो यहाँ फिर फेगोसाइटोसिस होती है। फेगोसाइटोसिस का मतलब ये है कि अगर आपके जिस्म में
मोनोसाइट मैक्रोफेजेस वगैरह प्रेजेंट हैं, वो आकर इसको हड़प कर लेते हैं कि हमारे जिस्म को नुकसान क्यों पहुँचे, आप आ जाएं, आप मेरे मेहमान बन जाएं। तो उसके जिस्म में मैक्रोफेजेस वगैरह में ये पैरासाइट दाखिल होकर वहाँ इससे क्या बनता है, इसी तरह राउंडेड शेप स्ट्रक्चर बनता है विच इज़ द मैक्रोफेजेस। तो वही मैक्रोफेजेस सॉरी दैट इज द एमास्टिकोड फॉर्म और एलडी बॉडीज बन जाते हैं। यही एलडी बॉडीज जो होते हैं फिर अपने मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाइनरी फिजन के जरिए से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सेल को आपके जिस्म का जो मैक्रोफेज वगैरह है, मोनोसाइट मैक्रोफेज कुछ भी है, तो उसको दोबारा फिल कर लेते हैं, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन के जरिए से इसको भर देते हैं, फिर इसको बर्स्ट कर लेते हैं, आपका सेल बर्स्ट हो जाता है। जब बर्स्ट हो जाता है तो दीज आर रिलीज्ड, द एमास्टिगोट फॉर्म ऑफ दिस पैरासाइट इज रिलीज्ड एंड इट इज रीच्ड टू योर पेरिफेरल ब्लड। और इसी तरह ईच एंड एवरी एमास्टिगोट फॉर्म ऑफ पैरासाइट आल्सो इज एनगल्फ बाई दी अदर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। तो दोबारा साइकिल दोबारा इसी तरह रिपीट भी होता है। और दूसरा चांस ये है कि जो एमास्टिगोट फॉर्म है ये आपके पेरिफेरल ब्लड में होते हैं, फिर एक ऐसा सैंड फ्लाई जिसको जो कि आपके जिस्म का विजिट करते हैं, तो उनको भी यही आपके जिस्म से एक तोहफा उनको मिल जाता है, दैट इज द एमास्टिगोट फॉर्म ऑफ पेरासाइट। तो ये उनके जिस्म में, किन के जिस्म में, ये पेरासाइट के एंड वेक्टर के जिस्म में, फिर ये किस चीज़ में मुंतकिल होता है, यहाँ पर इस तरह ये इलांगेट होता है, ये देख लें इलांगेट होकर उसका फ्लिजिलम बन जाता है और इसी तरह ये रो बनाते हैं, एक रोजेट फॉर्म, मतलब एक रोज की तरह गुलाब की तरह वो उनके जो फ्लिजिलम है एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होकर एक आगे आ जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट या लेक्चर में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में वो रोजेट फॉर्म वो बना लेता है। तो मतलब इसी तरीके से ये अपना साइकिल रिपीट करता है। फिर यही चीज़ जो होते हैं ये तो इसका स्टमक है, स्टमक से फिर ये आगे की तरफ मुंतकिल कर देता है, कि आगे की तरफ उनका मतलब ये है कि माउथ की तरफ मुंतकिल कर लेता है और माउथ में और प्रोबोसिस में होता है, फिर यही प्रोबोसिस को आपके जिस्म में दाखिल करके जब दाखिल कर लेता है तो इसके साथ ये वाले जो पैरासाइट इधर ये कर्सर आप देख रहे हैं, ये एरो आप देख रहे हैं, तो ये भी आपके जिस्म में दाखिल कर रहा होता है। तो इस तरीके से ये साइकिल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अच्छा तो कुछ टेक्स्ट, द प्रोमास्टिकोड मल्टीप्लाइज बाई लैंगिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन एंड रीच इज एनार्मस नंबर। जो प्रोमास्टिकोड फॉर्म होते हैं तो प्रोमास्टिकोड फॉर्म जब उसने पिक कर लिया और तो ये एनार्मस नंबर उसके बहुत ज्यादा नंबर बन जाते हैं और लार्ज रोजेट्स की तरह जो बड़ा गुलाब का फूल होता है उसकी तरह एक वो बना लेता है और फ्लेजिलम एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड या इंटेंगल्ड होते हैं। सैंड फ्लाई में दे माइग्रेट फ्रॉम द मिडगट, मिडगट से फेरिंग्स या हाइपोस्टोम की तरफ। हाइपोस्टोम माउथ पार्ट है, आप अपने एंटामोलॉजी के टीचर से आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज हाइपोस्टोम, तो वो आपको बताएगा कि हाइपोस्टोम की तरफ ये मुंतकिल होते हैं, मतलब माउथ की तरफ मुंतकिल होते हैं, वहाँ पर ये एक्यूमुलेट होते हैं, वहाँ पर एक ब्लॉक सा बना लेते हैं ब्लॉक और उसका मतलब माउथ बंद हो जाता है। तो यही ब्लॉक्ड सैंड फ्लाई जब किसी पर्सन के जिस्म पर बैठता है तो वो अपने उसके जिस्म में उल्टी कर लेता है, तो जो ब्लॉक होता है ब्लॉक खत्म हो, जो प्लग बन जाता है प्लग खत्म हो जाता है और उसके जिस्म में प्रोमास्टिगोट फॉर्म कहाँ पहुंच जाता है, ह्यूमन के बॉडी में, तो वहां पर ये 10 डेज या इसी तरह का वक़्त ले लेते हैं उसके जिस्म में, ये इनक्यूबेशन पीरियड, जब एक्सट्रेंसिक इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जब इंसेक्ट के बॉडी में ये अपना इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो थैंक यू, कैसा खत्म। ठीक है, तो आज आपने पढ़ लिया लिशमेनिया डोनोवेनी, उसके हैबिटेट के बारे में आपने पढ़ लिया, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके हैबिटेट और उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में और साथ साथ लाइफ साइकिल के बारे में आपने पढ़ लिया। तो 4 एस्पेक्ट्स आर कंप्लीटेड। उसके वेक्टर के बारे में आपने डिटेल के साथ पढ़ लिया, उसके वेक्टर के डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़ लिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में
हम मिलेंगे उसकी पैथोजेनिसिटी की वो साथ लेकर आएंगे इंशाल्लाह। पैथोजेनिसिटी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।